हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने ये पॉकेट लेके आए हैं। तो पॉकेट हमने अपने पार्ट वन में वीडियो में बताया है कि किस प्रकार आप दोनों इसके पॉकेट के पार्ट बनाएं, बैक एंड फ्रंट। आज हम इसकी सुई से किस प्रकार सिलना है ये सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए हम पहले कॉर्ड ये बटन पट्टी बना लेते हैं। तो देखिए, बटन पट्टी एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर था, तो ये हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी बटन पट्टी को पहले बना लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये लास्ट बारह। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह। तो देखिए फ्रेंड्स, बारह फंदे बनाने के बाद हमें अपनी बटन पट्टी को बनाने के बाद ये चीज एक इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद जो ये फली का फंदा है, सीधा फंदा है, उसे स्लिप करेंगे एंड उल्टे फंदे को जो बैक साइड से सीधा फंदा है और इधर की साइड से देखिए फ्रेंड उल्टा फंदा, उसे हम बनाएंगे। तो वन स्लिप, धागा आगे, एक बुनना, धागा पीछे, वन स्लिप, धागा आगे, एक बना लो। इसी तरह हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे बॉर्डर तक। लास्ट के 20 फंदे हम नहीं बनाएंगे और बॉर्डर तक कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर साइड में बेल आइकन का बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें। उससे क्या है कि जब भी हम नई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से वन स्लिप एंड एक को बुनना है, सीधे को स्लिप करना है और उल्टे को बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट के हमारे 20 फंदे बच गए हैं और ये हमारे टोटल 40 फंदे हैं। तो इसे हम बना लेते हैं। बनाने के बाद फ्रेंड्स, बैक साइड में आ जाइए। बैक साइड से भी हमें सेम रिपीट करना है। तो देखिए, उल्टे को फर्स्ट फंदे को हमने स्लिप किया एंड सेकंड फंदे को भी हमने स्लिप किया क्योंकि ये हमारा सीधा फंदा है। और फिर एक उल्टा बनाया, धागा पीछे, वन स्लिप एंड एक उल्टा बनाया, फिर एक स्लिप किया। एक फंदा हमें उल्टा बनाना है, धागा पीछे लेके जाना है, वन स्लिप करना है, धागा आके लेके आके ही एक उल्टा बनाना है। तो इसी तरह हम अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, हम दो रो सीधी और उल्टी, टोटल चार सिलाई हम इसी तरह बनाएंगे, वन स्लिप एंड वन निट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये बना लेते हैं। वन स्लिप, निट को स्लिप करना है एंड वन पुल करना है, एक बनाना है, एक ऐसे ही उतारना है। और साथ में हम बोर्ड जो हमारी बटन पट्टी है उसको भी हम बनाएंगे, पर उसको हम सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। सीधा भी बनाना है और उल्टा भी बुनना है।
दस और ग्यारह एंड बारह। ये बारह फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो ये हमने बना लिए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हम दो रो और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दो रो और कंप्लीट हो चुकी है। तो टोटल हमने फ्रंट से भी दो रो, वन स्लिप एंड वन पुल किया है, एक उल्टा बुना और एक बिना बुने उतारा है, और बैक साइड से भी हमने दो रो कंप्लीट की है सेम तरीके से। तो टोटल हमारे चार सिलाई हमने बना ली है, फोर रो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद हम अपनी बटन पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। ट्वेल्व फंदों की हमारी जो कि बटन पट्टी है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये बारह कुंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। उसके बाद हम देखिए लास्ट वाले को बनाएंगे, लास्ट वाले को। तो इन दोनों धागों को हम एक नॉट बांधेंगे ताकि मजबूती से हो जाए। नॉट लगाने के बाद फ्रेंड्स पूरे टाइट तरीके से नॉट लगाएं। नॉट लगाने के बाद एक धागे को हमने तोड़ लिया है, तो इसे हम सुई में ही डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सुई में धागा डाल लिया है। सुई में धागा डालने के बाद, सुई में धागा डालने के बाद जो हमारे ये बॉर्डर का है, देखिए ये बॉर्डर वाले फंदे हैं, अपना धागा आगे लेके आए। फर्स्ट फंदे को आप इस तरह सुई में पीछे की साइड से निकालें। फर्स्ट फंदे को निकालते वक्त पूरा धागा खींच लीजिए, सेकंड फंदे को आगे की साइड से पीछे की तरफ डालें। और फंदे को निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट फंदा लिया था उसको उठाइए, जो सबसे पहले हमने सुई में डाला था, और सीधे से सीधा और उल्टे से उल्टा करेंगे हम स्टिच। तो सीधे फंदे के साथ में सीधे फंदे को ही सिलेंगे। तो देखिए ये सीधे के साथ डाला है और निकाल लिया। अब हम बैक साइड से उल्टे फंदे को उठाएंगे, जो बैक साइड से सीधा फंदा है, जो सेकंड फंदा था देखिए फ्रेंड्स, और हमारा ये उल्टा फंदा है, तो इसको आगे की साइड से पीछे से डालेंगे। डालने के बाद फर्स्ट फंदा आगे का सीधा उठाए और पीछे की साइड से आगे की अपनी साइड की तरफ को सुई निकाले। इसी तरह बैक से उठाए और अपनी साइड से पीछे की तरफ को सुई निकाले। देखिए इस तरह, फिर जो फर्स्ट फंदा हमने उसको उठाए। तो देखिए फ्रंट, ये फ्रंट से उठाए जो सबसे इससे पहले फंदा लिया, और सेकंड नेक्स्ट फंदे में डालते हुए अपने धागे को पूरा खींच ले। अब बैक से देखिए, ये खींचने के बाद हमारा ये फंदा खींचेगा, तो इसका मतलब है इसके साथ हमें ये ही लेना है। अब आगे वाले फंदे को ले, जो हमारे चैन का फंदा है, और नेक्स्ट फंदे को भी ले। इसी तरह हम पूरा स्टिच करेंगे।
बॉर्डर तक। तो देखिए इसी तरह फ्रेंड्स हम इसे यहाँ तक सी लेंगे, 40 फंदों को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एंड तक सिल चुका है, सिलने के बाद ये इस प्रकार नजर आता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम अपना जो बटन पट्टी है उसको लेंगे और ये यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद ये सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे इस तरह। तो ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह हो जाएगी। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो सेम डिजाइन डालते हुए हम ये कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है। ये रो कंप्लीट होने के बाद हम अपने धागे को पीछे लेके जाएंगे, सुई को बैक साइड में लेके आएंगे। तो बैक साइड में लाने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमें क्या करना है, ये और हमारे जो बैक साइड के पॉकेट का पीस है इसमें हम धागा डालेंगे और यहीं पर एक मजबूती से नॉट लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद देखिए पूरा टाइट खींचना है हमें। टाइट खींचते हुए पूरी एक गांठ लगाएं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक यहां नीचे से उठाना है और एक इन दो चैनों को हमें वन बाय वन लेते हुए स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड दोनों साइड से स्टिच करने के बाद देखिए ये हम स्टिच करते जा रहे हैं, इधर से भी हम एंड तक स्टिच करेंगे और इधर से भी। तो चलिए हम करने के बाद बताते हैं किस तरह दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ से स्टिच किया था, तो बैक में हमने डिजाइन इसलिए डाला है नीचे से ताकि देखो अगर ऐसे पॉकेट उठाते हैं तो एक ही लगता है इक्वल कि आगे और फ्रंट का सेम है, अगर प्लेन आता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये हमने फ्रंट से भी सी लिया और बैक से भी देखो वन साइड से हमने स्टिच कर ली है और दूसरी साइड से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पूरा हाथ चला जाता। थैंक यू फ्रेंड्स।